तन तन बाबा दीप सिंह जी, 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 तन तन बाबा दीप
सिंह जी। तन तन बाबा दीप सिंह जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप, आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच, सोचै सोच ना होवई जे सोची लख बार, चुपै चुप ना होवई जे लाए रहा लिवतार, भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार, सहस स्यान पा लख हो हे ता एक न चलै नाल, किविस ज्यारा होई है किम कूड़ै तुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई, हुक्मी होवन जीया हुक्म लैवड़ियाई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख, दुख सुख पाई अहे एक न हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा पवई है, हुक्म है अंदर सब को बार हुक्म ना कोई, नानक हुक्म है जे पूजै ता हुमै कहे ना कोई, गावै को तानो होवै किसे तानो, गावै को दात जाने निशानो, गावै को गुण वडियाई आचारो, गावै को विद्या विखम विचार, गावै को साध करे तन खे है, गावै को जी ले फिर दे है, गावै को जापै दिसा दूर, गावै को वेखै हादरा हदूर, कथना कथी ना आवै तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे, हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै वे प्रवाहो, साचा साहिब साच नाई पाखिया पाव पार, आखे मंगै देह देह दात करे दातार, फिर के अगे रखिया जिद से दरबार, मोहों के बोलन बोलिया जे सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार, नानक ये वे जानिया सब आपे सचियार, थाप्या ना जाए किता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन से बिया तिन पाया मान, नानक गाविया गुणी निदान, गाविया सुनिया मन रखिया पाओ, दुख पर हर सुकर ले जाए, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाई, गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई, जेहू जाना आखा नाही कहना कथ न जाई, गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई, तीरथ नावा जे तिस पावा, बिन पाने के नाए करी जे तिस टोपाई, वेखा बिन कर्मा के मिला लई, मत विच रतन जवाहर माणक जे गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई, जे जुग चारे आर जा होर्द सुनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए, चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नजर ना आवई ता बात न पूछै के, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त रे, नानक निर्गुण गुण करे,
गुणवंतिया गुण देते हां कोई ना सुजई जे तिस गुण कोई करे सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने धरतवल आकाश सुने दीप लो पाताल सुने पोहे ना सकै काल नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नास सुने ईश्वर ब्रह्मा इंद सुने मुख सलाहन मंद सुने जोग जुगतन भेद सुने शास्त्र सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नास सुने सत संतोख ज्ञान सुने अठ सठ का स्नान सुने पढ़ पढ़ पावे मान सुने लागे सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नास सुने सरा गुणा के गाहा सुने सेख पीर पातशाह सुने अंधे पावे राहु सुने हाथ वैस गाहो नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कह पीछे पछताए कागद कलम ना लिखन हार मन्ने का वै करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जान मन कोए मन सुरत होवे मन बुद्ध मन सगल पवन की सुध मन मोहे चोटा ना खाए मन जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जान मन कोए मन मार्ग ठाक ना पाए मन पत स्यों परगट जाए मन मग्न चले पंथ मन धर्म सेति संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन पावे मुख द्वार मन परवार साधार मन तरै तारी गुरसिख मन नानक पवे ना भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पाव हे दरगह मान पंचे सोह हे दरा जान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कह कर विचार करत कह कन नहीं सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रख्या जिन सूत जे को बुझै हुवै सच्यार तवला उपर केता पार धरती होर पर होर होर तिस्ते पार तले कमन जोर जिए जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुढ़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तानस वाले हो रूप केती दात जाने कौन कूत किता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कमन कहा विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहै उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार संख सती संख दातार संख सुर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कमन कह विचार वारे ना जावा एक बार जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे असंख अमलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर करहे पार नानक नीच कै विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार
असंख नाव संख थाव गम गम संख लो संख कह सिर पार होए अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन एह लिखे तिसर नाहे जि फुरमाए तिव तिव पाहे जित किता तेता नाओ बिन्नावै नाही को थाओ कुदरत कवन का विचारो वार ना जावा एक वारो जो तुद पावै सही पलिकार तू सदा सलामत निरंकार भरिया हथ पै पैर तंदे है पानी तो तरसो खे है मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओ धोए परिया मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आब हो जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिलका मान सुनया मनया मन किता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण किते भगत ना होए स्वस्थ आत बाणी ब्रह्माओ सत सुहान सदा मन चाओ कौन सो वेला वक्त कवण कवण थित कवण वारो कवण सिरुति माहो कवण जित हुआ आकार वेल ना पाया पंडती जे होवे ले पुराण वक्त ना पायो का दिया जे लिखन ले कुरान थित वारण जोगी जाने रुत माहु ना कोई जा करता सिरटी को साजे आपे जाने सोई किम करिया खां किम सालाही क्यों वरनी किम जाना नानक आखण सब को आखा एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई किता जाका होवै नानक जे को आपो जाने अगे ज्ञान सो है पाताला पाताल लख आगा साया गास ओड़ कोड़क पाल थके वेद कैनिक वात सैस ठहर कैनक ते बायस लुक तात लेखा हुए त लिखिए लेखे हुए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप सालाही सालाहे एति सुरत न पाइया नदियां ते बाह पवै समुद न जानिए हे समुंद सा सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनो न विसरे अंत न सिरती कह न अंत अंत न करण दे न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारा वार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहु अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए जेवड आप जन आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया न जाए वड्डा दाता तिल नातमाए केते मंगे जोद पार केते अगणत नहीं विचार केते खप तुटे बेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केतिया दुख भूख सदमार एपे दात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए हो राख ना सके कोए जे को खाए को अखण पाए ओह जाने जितिया मोह खाए आपे जाने आपे दे आखे से पे केई के जिसनो बख्शे सिरसा लाहा नानक पातशाही पातशाह अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापारिये अमूल भंडार अमूल आवहे अमूल जाहे अमूल पाए अमूल समाहे
अमुल धर्म मुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान मुल बख्शीस मुल निशान अमुल कर्म मुल फुरमान अमूलो मुलाख्या ना जाए आखागरे लिवलाए आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े कर विख्याण आखे ब्रह्मे आखे इंद आखे गोपीता गोविंद आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे किते किते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुंजन सेव केते आखे आखण पाहे केते कह कह उठ जाहे एते किते और करे है ताक न सके केई के जे बड़ पावे ते बड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखिया सिर गावार गावार सोदर के हा सो कर के हा जित बै सर्व समाले वाजे नाद अनेक संखा केते बावन हारे केते राग परिसो कहियन केते गावन हारे गावे तोणो पौन पानी बै संतर गावे राजा धर्म द्वारे गावे हे चित गुप्त लिख जान हे लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सुन सदा सवारे गावे हे इंद्र दासन बैठे देवते अंदर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सति संतोखी गावे हे वीर करारे गावन पंडित पण रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे हे मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ प्याले गावन रत्न पाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावे हे जोत महाबल सूरा गावे हे खानी चारे गावे खंड मनवर पंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गावे हे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितना आवण नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिबो साचा साची नाई है पियो सी जाय ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस पावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरमपत चोली ध्यान की करे विभूत खिंता काल कुवारी काया जुग टंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुगे को वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वज नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग द्विकार चलावै लेखे आवै भाग आदेश तिस आदेश आद नील नाद नाहत जुग जुगे को वेश एक माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवानो एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवानो जिव तिस पावै तिवे चलावै जिव हुआ फुरमान ओह वेखै उना नदना आवै बहुता यो विडानो आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुगे को वेश आसन लोए लोए भंडारो जो किच पाया सो एकावार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच की साची कारो आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुगे को वेश एक दूज बो लख हो हे लख वै लख वीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश ए तराए पत पबड़िया चढ़िए होए कीस सुन गलाया कास की कीटा आई रीस
नानक नदरी पाई कूड़ी कूड़े ठीस आखन जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देना जोर जोरना जीवन मरण नह जोर जोरना राजमाल मन सोर जोरना सुरती ज्ञान विचार जोरना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुति थिति वार पौन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जीए जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आपो सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच प्रमाण नदरी करम पवै निशान कच पकाई उत पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड कहो धर्म ज्ञान खंड कहो करम केते पौन पानी बैसंतर केते कान महेश केते ब्रह्मे काड़त कड़िए रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्धनाथ केते केते देवी दिवेश केते देवदान मुन केते केते रत्न समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरंद केतिया सूति सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंडम है ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड़े नंद सर्व खंड की बाणी रूप तिथे काढ़त कड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाहे जे को कह पीछे पछताए तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़िए सुरा सदा की सुद कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोद महाबल सूर तिन मह राम रहा भरपूर तिथे सितो सीता मैं माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरहै ना ठाके जाहे जिनके राम वसै मन माहे तिथे भगत वसै के लो कर नंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथे खंड मंडल बरपंड जे को कथै ता अंत न अंत तिथे लो लो आकार जिव जिव हुकमो तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा तिरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अगन तपताओ भांडा पाओ अमृत ढाल कड़िए शब्द सची टकसाल जिनका नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुदाई दाया खेल सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वच धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई हमरी करो हादे रचा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ब तुम काबो आपा दे मोय बचावो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए
पूर्ण होय हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ो कोई अब ना त्याओ, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ, सेवक से कमारे तारी है, चुन चुन सतरा मारे मारिय है, आप आद मुझे बरिय, मरण काल का त्रासनी बरिय, हूँ जो सदा हमारे पछा, श्री अस्तु जो करे और अच्छा, राख ले मोय राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बांदुष्ट के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दशकंता, काल पाए ब्रह्मा बबतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सगल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार रहता है हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दै दक्षिण उपजायो, आद अंत कवतारा, सोई गुरु समझे हमारा, नमस्कार तिसि को मारी, सकल प्रजा जनि आप सवारी, शिव कण को शिव गुण सुख दियो, सतरण को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत, चीटी ते कुंचरिया सूला, सप्र कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछान, कट कट के पट पट की जान, जब तो करख करा कर तारा, प्रजा तर तब दे अपारा, जब कर कर तो कब हूँ, तुम मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन सृषभ तार, आप अपनी बूझ उचार, तुम सभी ते रत निरालम, जानत वेद भेद अरियालम, निरंकार निर्भकार निर्लंब, आद नील नाद संभ, ताका मूड उचारत पेदा, जाको पेव ना पावत वेदा, ताको कृपान मानत, महा मूड कछ भेद ना जानत, मां देव को कह सदा शिव, निरंकार का चिन्हत न पीव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तू है तेती, तुमरा लखा ना जाय पसारा, कै विद सदा प्रथम संसारा, एक रूप नूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पूपा, अंड जेर से तेज कीनी, उत्पज खान बहु रच दीनी, कहूं फूल राजा हो बैठा, कहूं सिमट पेओ संक्रे कैठा, सिगरे सिर दिखाए चंपाओ, आजुगाद स्वरूप श्यंपाओ, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार सिख संगरो, दुष्ट थे ठुआ तुत पाता, सकल मिलेश करो रण काता, जे अस्तु तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्याए हैं, ताके काल निकले हैं, रचा वे ताए सब काला, दुष्ट रिष्ट रह तत्काला, कृपा दितन जाए न हरो, ताके तातनक मोहरो, रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाश्वास कहना कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताई उबारा, जिन नाम त्यारो कहा, दर्द दुष्ट दोग ते रहा, खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आपा दलेहु बारी, सर्व ठोर मो सहाई, दुष्ट दुख ते ले बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता, किलविख सकल दे को हरता, दुष्ट दुखिन कोछा करता, श्री तुज पै दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बाशंत फल पावे सोई, दुख नात सव्यापत कोई अडिल, सुने गुंग जो याय सुरस ना पावई, सुने मूड चित लाय चतुरता आवई, दुख दर्द पो निकना तिन नर के रह, हो जो या की एक बार चौपई, को कह चौपई, संबत सत्र सहस पनी जाय, अर्ध सहस पुन तीन कही जाय, पाद्रव सुधवी अष्टवी रवारा, तीसर दव ग्रंथ सुधारा,
सवैया पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आगत रेनिया ने ओ राम रहीम पुराण कुरान नेका में देख ना माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सब भेद कह हम एक ना जाने ओ सिरियस पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो ए बखाने ओ दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाई गे की लाज अस गोविंदास तुहार सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाई गे की लाज अस गोविंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी सारी संगत प्यार न लखुन जी धन बाबा दीप सिंह जी गुरु रामदास जी दा बाबा दीप सिंह साहब जी दा संगत रूपी परिवार अज फरीदकोट इस पावन पवित्र स्थान ते कतरत होया और हो रहा सारे परिवारक मैंबरां नूं अज दी इस परिवारक मीटिंग विच मैं जीआं आखदा और रोजाना दी तरह बेनती इधर गुरु ग्रंथ साहिब जी दा जिथे प्रकाश एडी तगड़ी भावना बना लो कि गुरु ग्रंथ साहिब दे रूप दे विच आप हाजर नाजर गुरु रामदास जी चमकड़ा मार के बैठे ने आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी ते जिथे गुरु रामदास जी बैठे होण बाबा दीप सिंह जी उन्हां दे चरणां च बैठे हुंदे ने जदों इस फीलिंग नाल बैठोगे कीर्तन करन दा सुनन दा बहुत ज्यादा रस आएगा आओ जिथे जिथे जगह मिले कीर्तन की लड़ी के जुड़े हो सत अठ मिनट पहले वाहगुरु गुरु मंत्र का जाप उस तो बाद जिमें बापू जी कृपा करे आप जिया के दीदार करे सनिमर बेनती वीर थोड़ा थोड़ा अगे अगे हो जाओ इधरों भी गाँह गाँह हो जाओ इधरों भी गाँह गाँह हो जाओ जड़िया संगत बाद आ रही पिछे सजदियाँ जाएगियाँ फिर अंदर डिस्टरबेंस घट होएगी मेरी बेनती है आओ बड़े प्यार से वाहिगुरु गुरु मंत्र के जाप के सारी संगत जुड़े हो जी वाहिगुरु वाहे गुरु
नानक होसे सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच तन गुरु राम दास जी मैं तेरा 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 मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा 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 तन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा तन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा तन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा तन बाबा दीप सिंह तू मेरा मैं तेरा
ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਿਮਰ ਜੋਦੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 10-10 20-20 ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੋ ਖੈਰ, ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਟੁਕੜੇ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਟੁਕੜੇ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਹਿਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਜੀ,
ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸੋਹਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਪਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਦਨ ਵਾਂਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਦਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਚੰਦਨ ਵਾਂਗੂ ਟੁਕੜੇ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਗੰਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੱਲ। ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਦਾਤ ਮੰਗੀ, ਦਾਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ, ਦੇਰ ਵੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਦੇਰ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੋੜ ਨਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖੋ, ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਟੁਕੜੇ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਭੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਆ ਜੇ ਚੰਦਨ ਵਾਂਗੂ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਨਾ ਆਈ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਕੀਏ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਜੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਦੱਸਯ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਰਾਤੀ 10 ਤੋਂ 11 ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਘਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ
घर बार दे विच ही रह, घर बार ना छड्ड। हाँ, चौवी घंटिया दे विचों ढाई घंटे का समा मेरे लिए छड्ड दे बस। महाराज आ कहिंदे ने, महाराज कहिंदे कारोबार ना छड्ड, घर बार ना छड्ड, किरत कर पर दसवां हिस्सा मेरे लिए छड्ड दे। आखो वाहिगुरु जी, महाराज ने तो सानू आ सिखाया। मैनू अज बड़ा ज्ञान हो गया, मैं घर बार छड़ दिता। महाराज कहिंदे तेरे घर बार छड्डन नाल गल नहीं बनी, ग्रस्त दे विच रह ते ग्रस्त विच रह के उहदी प्राप्ति कर। गुरु नानक ने ग्रस्त जीवन नू महानता दिती है। हां जी, समझ रहे हो ना मैं की कह रहा? आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। अगली गल भी इह ध्यान नाल सुने, बड़ी लाइफ दे विच कम आएगी। कई लोग गुरमत तो भटक के वास्तु शास्त्रां दे चक्करां च पै जांदे ने जी। ओ दसदे ने वास्तु शास्त्र वाले, घर दा बूआ जिहड़ा इधर रखो, अपने कमरे दा बूआ इधर रखो, बाथरूम दा बूआ इधर चाहिए, शीशा इत्थे नहीं इत्थे चाहिए, वास्तु वाले दसदे ने। सिख ने कदी भी आ चक्करां च नहीं पैना। गल पूरी ध्यान नाल सुणिओ, कदी भी असी जिहड़े गुरु रामदास दे बणे आ ना, बाबा दीप सिंह दे बणे, कदी भी आ चक्करां च नहीं पैना। पर कई पै जांदे ने ते फिर भी कला कलेश घरों हटदा नहीं। आखो वाहिगुरु जी। आ मेरे नाल खुद बीती सी गल, खुद दास नाल। असी गुड़गांव सां, अज तो 15-16 साल पुरानी गल है। मैं कीर्तन करके बाहर निकलिया, हुण एक रूट बनिया हुंदा गुरु जी की कृपा नाल, इत्थे जाणा जिवें आए अज सुषमा भैण जी दे घर। इन्हां ने कहा सी 8-10 घरां च जाणा, मैं कहा नहीं, मैं किते नहीं जाणा, जिन्हां ने मिलना उन्होंने को अपने घर तुहाडे घर ही आ जाए। फिर उत्थे काफ़ी संगत मिलन आ गई, प्यार वाले गल्लां बातां करन आ गए, दुख सुख फरोलन आ गए। हुण इसे तरह रूट पहले सैट किया हुंदा, इत्थे इन्ने बजे, इत्थे इन्ने बजे, इदां। हुण कीर्तन तो बाद एक परिवार च असी जाना सी गुड़गांव प्रशादा छकण वास्ते। ते जदों मैं गया उस घर दे विच प्रशादा छकण, ते गुआंढ परिवार की एक भैण ना आ गई, कहिंदी नहीं तुहानूं साडे घर चलना ही पैना है, 5 मिनट चलना ही पैना। मैं क्या भैण, सारा रूट बने हैं, अगे लेट होवांगे, इदां अगली बारी आवांगे जरूर आ जाएंगे। उन्हें बड़ा ही खैड़ा किया। तो खैर जिहड़ी गल मैं करनी, जदों उन्हें बहुत ज़्यादा जिद की ना, मैं क्या चलो नाल ही जे घर है तो 2 मिनट अंदर जाने अरदास करके नाल ही निकल आवांगे, छकना छकाउणा नहीं कुछ। कहिंदी बिल्कुल ठीक। हुण मैं जदों उन्हां दे घर एंट्री की ना, तो मैनूं एंट्री करदिआं पता की कहिंदी, कहन लगी भाई साहब साडा सारा घर ना वास्तु शास्त्र दे अनुसार बनिया होया। मैं चकना च पै गया, मैं क्या अच्छा वास्तु शास्त्र दे अनुसार बनिया? कहिंदी हां। कहिंदी आ जिंग बैल लगी है, वह बैल लगी सी घर दी एंट्री ते। कहिंदी आ जिंग बैल भी ना वास्तु शास्त्र दे मुताबिक ही असी लाई अपने बूहे ते। मैं कहिंदे नाल की हुंदा है? कहिंदे सानू वास्तु शास्त्र वालिआं ने कहा सी कि जिंग बैल तुसी अपने घर के बूहे के बाहर इदा ये ला लो, जदों हवा आएगी हवा दे नाल ए बैलां आपस में टकराउणगियां, खड़खड़ की आवाज आएगी, खड़खड़ करती खड़खड़ करती माया भी तुहाडे घर डिगेगी। मैं क्या अच्छा बहुत वधिया, मैं सुनी गया पहले। उस तो बाद जदों अंदर गए, कहिंदी जी आ जिहड़ा घर का बूहा है ना, आ कमरे का बूहा, यह भी असी वस्तु शास्त्र के हिसाब नाल रखिया। पहले होर तरह का बूहा सी दूजे पासे, फिर तड़वा के इस दिशा नूं कढ़िया। मैं कि इहदे नाल की हुंदा? कहिंदी इहदे नाल उह कहिंदे जी घर दे विच कला कलेश नहीं कदी हुंदा। मैं क्या अच्छा बहुत वधिया। हुण जदों थोड़ा मैं अंदर गया होर, कहिंदी इह रसोई भी ना असी उस हिसाब नाल सैट करा ली भाई साहब वास्तु शास्त्र दे हिसाब नाल। मैं कि इहदे नाल की हुंदा? कहिंदे उह कहिंदे जी इह जदों इदां वास्तु शास्त्र दे हिसाब नाल रसोई दी सैटिंग कर लो ना, ते कदी भी बंदे दे उत्ते करजा नहीं चढ़दा। उन्हें इतना 4-5 चीजां मैनूं गणातियां। मैं हुण क्या कोई गल नहीं करदे, अजे गल अजे सुननी है तेरी। हुण आ गई वारी तुहाडे पुत्तर दी दास दी। हुण जदों मैं उत्थों निकलण लगा ना, मेरे हाथ च उन्हां ने 1100 रुपया फड़ाया, निकलण लग्गिया अपनी शरदा मुताबक मैनूं कहिंदी वीर जी अरदास करो अरदास। मैं सहजे पुछ लिया, मैं की अरदास करनी? कहिंदी 27 लाख का करजा चढ़िया लथ जावे। 27 लाख का करजा चढ़िया लथ जे। मैं क्या बीबी जिंग बैल ने हुण कुछ नहीं किया? खड़खड़ करदी जिहड़ी माया डिगनी डिगी नहीं? कहिंदी की दसां तुहानूं,
एक ये अरदास कर दियो 27 लाख का कर्जा ले जे ते दूजा ना घर च कला कलेश लगे ही रहिंदा है। मैं क्या भैन तू वस्तु शास्त्र दे हिसाब नाल कमरा भी सेट कराया रसोई भी सेट कराई हुण कला कलेश कहिंदी करते लए ने सारे कम पर अंदरली शांति नहीं मिल रही। हां जी वेखो अंदरली शांति आ चीजां च नहीं, अंदरली शांति है नाम विच, अंदरली शांति है जदों तुसी आ संगत विच आके बह जांदे हो अंदर शांति मिलती है, अंदर एक रूहानियत मिलती है, एक आत्मक आनंद मिलता है जदों संगत विच बैंदे हो, अमृत वेले उठदे हो, पाणी नाल जुड़दे हो, बाणे नाल जुड़दे हो, सिमरन नाल जुड़दे हो, बंदगी नाल जुड़, सुख ते तां मिलदा है, उतों बिना गल नहीं बनती। तो जिहड़ी मैं गल करन लगा सां, कई लोग वास्तु शास्त्र दे चक्करां च पै जांदे ने। अज मैं डट के एक गल कहण लगा, अपने मन दा ते अपनी सोच दा दो गल्लां ने, अपने मन दा ते अपनी सोच दा वास्तु ठीक कर लो, घर दा वास्तु आपे ठीक हो जाएगा। खो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, सत श्री अकाल। मन दा ते अपनी सोच दा वास्तु सही कर लो, सोच उची करो, मन बस ओदे चरणा नाल ला दियो, आ घर दे वास्तु ते आपे ठीक हो जाने ने। एवें चक्करां च ना पिया करो, एक पैसे पक्षों भी लुट्टे जाने हैं, एक गुरु घरों भी असी फिर पिट कर लेने हैं, ये काम नहीं करने। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार नाल आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी, फिर आखो धन बाबा दीप सिंह। अगली गल सुन लो, ये भी बड़ी कम आएगी। जेहो जिहा धन ओहो जिहा अन्न, जेहो जिहा धन कमा के लियाओगे ओहो जिहा अन्न तुहाडे घर आएगा। एक गल याद रखियो पक्के तौर ते, धन जे कमाया होएगा ना हेरा फेरियां करके, दूजियां नूं लुट के, एदे नाल प्यारे ओ शकलां ते नहीं बदलणियां, बंदा ते ओह ही रहना, शकलां नहीं बदलणगियां पर नस्लां बदल जाणगियां। नस्लां जदों किसे नूं लुट के ले आएगा ना घरों, नस्लां तेरियां विगड़ जाणगियां, शकलां ते ओह ही रहणगियां ने। ईमानदारी की किरत करिए, गल सुनो, जैसा धन वैसा अन्न, ते जैसा अन्न वैसा मन, जेहो जिहा अन्न खावांगे ओहो जिहा मन बनेगा। है जी, ते फिर जेहो जिहा मन ओहो जिहा ही तन, जे मन रोगी है ना ते तन भी रोगी ही बनना है, जे मन निरोग है ना तन भी निरोगी होएगा। मन निरोग होंदा है सिमरन करके, मन निरोग होंदा है बंदगी करके, मन निरोग होंदा है एक पाठ मैं सुखमनी साहब कर लिया एक होर करना, इदां इदां जिहदा मन निरोग उहदा तन भी निरोग, जेहो जिहा मन ओहो जिहा तन। इस करके मेरी बेनती है, हमेशा सात्विक धन कमाओ, दुआवां वाला धन कमाओ। जदों सात्विक धन कमाओगे ना मेहनत करके, सादा धन अपनी किरत कमाई दा धन जदों कमाओगे प्यारे, ओ दुआवां विच शामिल कर लोगे दूजियां दियां, ते फिर खुशी ते सुख तुहाडे कदमां दे विच जगह मंगणगे। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार नाल आखो ना जी धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। अगली गल सुनो, इस जिंदगी दे विच गल्लां बड़ियां कम आउंदियां तां मैं रोज करता, ये गल सुनन तो बाद आपां शब्द पढ़ांगे। अपने भविष्य दे बारे, भविख दे बारे किसे पीर कोलों किसे फकीर कोलों ना पुछो। कई बार असीं हथ विखाउंदे आ ना, दस मेरे कर्मां च की लिखिया, ये गुरमत तों उल्ट गल है, ये कदी नहीं करनी पर कई करी जांदे ने, कदी ना करिया करो। बाबा आनंद सिंह साहब का बचन है, एक गल सुन के तगड़ा जकारा आवे तुहाडे वल्लों। बाबा आनंद सिंह जी बचन पता की करदे सी, कहिंदे जे किसे जोशी कोल हाथ विखाउण गए हैं, पीर फकीर कोल हाथ विखाउण गए हैं, उन्हें वेख्या ही कहना ना तेरे कर्मां च आ लिखिया, ये तो वध कुछ नहीं ना कहना क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की है, पता लग जाता तेरे कर्मां च आ लिखिया। पर बाबा ही छाती ते हिक ते हथ मार के कहिंदे सी,
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਈਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਲਿਖੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਜੀ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਬਦਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਲਵੇ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਬਾਪੂ ਛੋਟਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਲਵੇ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਛੋਟਾ। ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਚ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਬੈਠਿਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਯਾਰੀ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਡਿੱਗੂ ਡੋਲੂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਆਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਈਗੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਵੱਡਾ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਫਟਾਫਟ ਫੋਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਹੈਂਜੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਫਲਾਉਣਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਕਿਹਦੀ ਕਰੇ ਫਿਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਜੀਂਦਾ, ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦਾ, ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਿਊੜੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦੇਗਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਮ ਬੀਜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਹੀ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣੇ ਪੈਣੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪ ਸਵਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ 603-604 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ। ਅੰਗ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ, ਅੰਕ ਨਹੀਂ, ਅੰਗ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ। 603-604 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੋ, ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਵੋ ਆਧਾਰੇ। ਆਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਬਾਣੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਲਓ। ਉੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ, ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਵਟਸਐਪ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਫਿਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੋ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੀ। ਹਰ ਜੀਓ
कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे हर जियो करो तुम प्यारे
जियो कृपा करो तुम प्यारे
गुरु रामदास जी गुरु रामदास जी जोड़ो दोवे हाथ प्यार का लख जी धन बाबा दीप सिंह जी कृपा
शब्द उचारण किया होगा ना तो भावना गुरु अंगद साहब की बनाई होगी केड़ी भावना हर जियो कृपा करो तुम हे मेरे प्यारे प्रभु जी हे मेरे गुरुदेव पिता जी मेरे ते एक कृपा करो मेरे सिर दे उत्ते मेर भरिया हाथ रखो एक मेर करो ते अगों फिर आवाज आई गुरु अंगद साहब सुरती विच आके पुछदे होणगे गुरु अमरदास जी नूं केड़ी कृपा मंगदे हो ते हाथ जोड़ के निमाणे बन के गुरु अमरदास पता की कहिंदे कहिंदे हर जियो कृपा करो तुम प्यारे सतगुर दाता मेल मिलावो अख वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी
हर नाम देवो आधारे। महाराज मेरे ते एक कृपा करो, पहली कृपा करो कि मेरी अंदरों तुहाडे नाल सांझ बन जाए, अंदरों तुसी मैनू मिल पवो, गुरु मैनू अंदरों मिल पवे, अंदरों असी बाहर लभदे हैं। सच्ची गल है, बाहर भी वह बैठा है पर जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, तेरे पिंडे दे अंदर भी वह ही है, तेरे अंदर जेड़ा ब्रह्मंड है ना पिंडे दे अंदर वह ही बैठा है जी। असी लभदे हैं हेमकुंड साहब जाके, असी लभदे हैं गुरु घरां विच जाके, कोई मंदिर मसीतां विच जाके लभदा है, चंगी गल है। यात्रा किसी भी स्थान की करनी बड़ी अच्छी गल है, जाओ पर प्यारे हो एक चीज का ध्यान रखियो, जेड़ा हेमकुंड साहब बैठा है, जेड़ा दरबार साहब बैठा है, वो तेरे अंदर भी ते बैठा है ना है जी। सच्चाई है ना, सच्चाई अपने कोलों बना के नहीं मैं गल कह रहा। महाराज कहिंदे जो ब्रह मंडे सोई पिंडे, गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। तेरे अंदर ही बैठा उन्हूं लभ लभ। गुरु अमरदास पातशाह कहिंदे मैनू अंदरों गुरु मिल पवे, पहली कृपा ते आ करो ते गुरु मैनू मिले, दे देवे अपने नाम दी दात ते ओ नाम मेरी जिंदगी दा सहारा बन जावे। आखो वाहिगुरु जी, मैनू कोई होर सहारे लभण दी लोड़ नहीं, मेरी जिंदगी दा आसरा मेरी जिंदगी दा सहारा तेरा नाम बन जे, आ मेरे ते कृपा करो। क्योंकि महाराज मैं एक गल प्रतख करके वेख लई है, गुरु अंगद साहब कहिंदे केड़ी गल वेखी गुरु अमरदास जी ने, ए सुरती नाल गल्लां हो रही ने, सुरती नाल केड़ी गल वेखी, ए रहाओ वाली पंक्ति है कि तुसी मेरे सिर ते हथ रखो, मेरे ते कृपा करो, अंदरों मैनू गुरु दा मिलाप बख्शो, गुरु मैनू नाम दी दात देवे ते ओहो ही नाम मेरी जिंदगी दा आसरा सहारा बन जे, होर कोई आसरे नहीं। ते गुरु अमरदास पातशाह पता की कहिंदे, मैं एक तत् ते पहुंच गया, तत् ते महाराज कहिंदे केड़े तत् ते पहुंच गए हो, ते ए पंक्तियां ध्यान नाल सुनियो की कह रहे ने सतगुरु, पढ़ियो जी। बिन सतगुर सेवे बहुत दुख लागा, जुग चारे भरमाई। कहिंदे मैं तां करके कह रहा मैनू अंदरों गुरु मिला दिओ, मैनू नाम दी दात दे दिओ, क्योंकि मैं एक गल वेख लईए कि बिना सतगुरां तों बंदा जेड़ा है ना वो भटकदा ही रहिंदा, दुखां विच घिरिया ही रहिंदा। बिना सतगुरां दी शरण विच आए तों बंदे नू दुख ही चिंबड़े रहिंदे ने, कदी गरीबी दे दुख चिंबड़दे ने जी, कदी शरीरक रोग चिंबड़दे ने, कई बारी इहो जिहा हिसाब बन जांदा प्यारिओ, जन्म मरण दे दुख भी चिंबड़ जांदे ने बंदे नू, जन्म मरण दे एक जून भुगती फिर अगली भुगतन लई तैयार, ये सारे दुख ने। कहिंदे बंदा सतगुरु दी शरण पैण तों बिना भटकदा ही रहिंदा है, भटकदा ही रहिंदा है, ते मनुख नू दुख चिंबड़े ही रहिंदे ने। बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे परमाई। अगे जी, हम दीन तुम जुग जुग दाते। कहिंदे असी तेरे दर दे मंगते हां ते तू जुगा जुगा तो दाता देण वाला है, शब्द दे ते कृपा दा खाता खोल के मैनू शब्द दे, तां जो मैं आत्मक मौते मरा ना कदी भी, मेरा आत्मक जीवन होर उच्चा होवे, शब्द विच जुड़ के मैनू आत्मक जीवन दी समझ पै जावे, मैनू इस करके तुसी नाम दी दात दे दे हो, नाम दी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, मेरे ते कृपा कर दे हो। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਹ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣੇ, ਚਲੋ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ,
पर एक गल अपने माइंड विच पक्के तौर ते वसा लो, लाइफ विच एक समा ते इहो जे आवे हुण दातां दे लई नितनेम नहीं वध रहा, हुण दाते लई वध रहा है। और तुसी स्याने हो, स्याने जिन्हें दरख्त मंग लिया उन्हों शां स्पेशल मंगन की लोड़ नहीं, उन्हों कोई फल स्पेशल मंगन की लोड़ नहीं, जिन्हें दरख्त मंग लिया उन्हों शां भी मिल जानी, फल भी मिल जाने, फुल भी मिल जाने है जिन्हें दरख्त मंग लिया। और जिन्हें गुरु नू मंग लिया आ दुनियावी चीजां ते उहदे मगरी लगियां तुरनगियां। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। तुसी कहिंदे जी घर च बरकत नहीं पैंदी, सतगुरु कहिंदे तू मैनूं मंग के तू वेख तेरी निगाह विच ही मैं इहो जी बरकत पा देंगा, जिदे वल भी अखां भर के वेख रहेगा ना उहदे घर भी बरकतां दी बरसात हो जाएगी। बोले सोनहाल सतगुरु श्री अकाल। ਮੈਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗੋ, ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀਏ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਜੋੜ ਦਿਓ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹੇ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵਲਾਏ ਨੌ ਨਿਧੀ ਅਠਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੇ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਹ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਦੋ ਪਾਠ ਵਧਾ ਤੇ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਸ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗੋਗੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ, ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਯਾਰੀ ਲਾਈਏ ਬੌੜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਹਾਂਜੀ ਓਦਾਂ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਯਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਪਰਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਚੈੱਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਤ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਯਾਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਲਾ ਭੋਗ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾ ਭੋਗ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਨਾ ਤੈਂ ਵੀ ਪੀ ਦੁੱਧ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਧਈਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਓ, ਦੁੱਧ ਛਕੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਵਾ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਯਾਰਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛਕਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਿਟਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਭੱਜਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਯਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ, ਹਾਂਜੀ
पांच छे दिन बीते जदों नटाल होके डिगे ने दोवें महापुरख ते हुण गुरु नानक कोलों रिहा ना गया। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच्चों प्रतख हो के गुरु नानक पिता ने दोवें महापुरखां नूं दर्शन दिते। जदों दर्शन दिते प्रशादे नूं भोग भी लाया ते प्रसन्नता विच आके एक गल कही दोवें महापुरखां नूं। पहले किया बाबा जवंद सिंह जी नूं, ओह कीर्तन करदे सी, अज भी राजा सांसी गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के अंदर गुरद्वारा बनया बाबा जवंत सिंह जी का। सच्ची गल है उस एयरपोर्ट तो जो जहाज भी उड़ते हैं ना तो उस महापुरख की कृपा न उड़ते हैं, लैंड भी होंगे ने उसकी कृपा न होंगे। जे बाबा जवंत सिंह ना चाहन उतों कोई जहाज उड़े तो कोई दुनिया की ताकत नहीं उतों कोई उड़ान भर जाए जी। एडे चारे गल सुने बाबा जवंत सिंह जी कीर्तन करना जानते सी। गुरु नानक साहब कहिंदे रिखी जी कुछ मंगो ते बाबा जवंत सिंह पता की कहिंदे, कहिंदे महाराज मेरी एक बेनती है, जदों भी मैं तुहाडा कीर्तन करन वास्ते बैठा ना जिवें हुण प्रतख हो के मैनू दर्शन दे रहे हो ना, जदों कीर्तन करन बैठा इसे तरह मैनू तुहाडे दर्शन हुंदे ही रहा करने। सत श्री अकाल। गुरु नानक बड़े प्रसन्न होए ते प्रसन्नता विच वचन कीता कहिंदे रिखी जी जदों कीर्तन करन वास्ते बैठिया करोगे ना तुहानू दर्शन भी दिया करांगे, तुहाडा कीर्तन सुनिया भी करांगे। ते अगली गल पता की कहती, कहिंदे तुहानू सामने बह के दर्शन भी दिया करांगे, तुहाडा कीर्तन सुनिया भी करांगे, ते जदों कीर्तन करन लई बैठोगे ना तुहाडी रसना ते बह के कीर्तन करिया भी करांगे। वड्डी दौत आ मंगी, आ दातां मंगी है बापू कोलों, ते हुण वारी आ गई बाबा नंद सिंह साहिब दी। रिखी जी तुसीं कुछ मंगो। बाबा जी कहिंदे जी मंगना नहीं आउंदा, तुहाडे दर्शन हो गए सब आ गए, होर क्या चाहिए, तुहाडे दर्शन हो गए तुसी आ गए होर कुछ नहीं चाहिए। रिखी जी बचन खाली नहीं मोड़ीदा, कुछ ते मंगो। ते बाबा नंद सिंह साहिब पता की कहिंदे, महाराज मैं गरीब नूं कुछ मंगना नहीं आउंदा, पर जे बचन करदे हो ना कुछ मंगण बारे ते मेरी इक्को ही बेनती है, मैं मंगते नूं मैं गरीब नूं अपना बना लो अपना। ते उस वेले गुरु नानक भी मुस्कुराए कहिंदे रिखी जी एक पासे कहिंदे मंगना नहीं आउंदा, दूजे पासे छड्डिया ही कुछ नहीं, जिहदा गुरु नानक अपना उहनूं कदी कमी। जां का मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो काकी कमी है जी। जांका सब कुछ तांका होए, सारा कुछ ओदा उस प्यारे दा बन जांदा ते प्यारे दा सब कुछ ओदा बन जांदा है। जांका सब कुछ तांका होए, नानक तांको सदा सुख होए। मेरी बेनती है वड्डियां दातां मंगीए जी, पुत्र मंगणे ने धीआं मंगणियां, पर एक टाइम ते लाइफ च आवे। मैं पंज पाठ रोज दे बापू जब जी साहब दे करांगा, मैनूं होर कुछ नहीं चाहिदा, मेरे कोल तूं आ जा। जदों मैं कीर्तन करन बैठा मेरे नाल ही बह जाया कर, जदों मैं कीर्तन सुनन बैठा मेरे नाल ही बह के सुनिया कर, जिधर मैं जावां एक जगह तो दूजी जगह मेरे नाल ही चलिया कर। आ मंगीए हर वेले मेरे अंग संग होके वरत, आ मंगीए मैनूं अपना बना लै, आ मंगीए मैनूं नाम दी दात नाल जोड़ दे, आ मंगीए वड्डियां दातां वड्डियां दातां। जिन्हां कोल ए वड्डी दात आ गई ना, बाकी दीआं दातां ते मगरे लगियां तुरदियां ने, माया दी कमी कादी रह जो। ओ सतगुरु ते फिर साडियां झोलियां नहीं भरणगे कलियां, सानू लखां लखां दीआं झोलियां भरण वाला बना लैणगे। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, सतगुर दाता मेल मिलावो हर नाम देओ आधारे, हर नाम देवो आधारे, गुरु कृपा करे। अगलियां पंक्तियां च की कह रहे सै पढ़ो प्यार नाल। मन सा मार दुविधा सहज समाणी, पाया नाम अपारा। कहिंदे गुरु दी शरण विच पै के जिन्ने
नाम की दात मंग ली, नाम की दात जिन्हों प्राप्त हो गई ते नाम की बरकत नाल अंदरों वासनावां मुक गई। मानसिक तौर पर जिहड़ा बंदा डामाडोल हुंदा सी ना वह डामाडोल होने वाली अवस्था खत्म हो गई, बंदा आत्मक अडोल हो गया। अगे जी हर रस चाख मन निर्मल हो किल बिख काटन हारा। केले जेड़ा नाम दा स्वाद चख लेंदा ना उदा मन पवित्र हो जांदा है, ते जेड़ा नाम है ना नाम दे नाल जदों बंदा जुड़ जांदा है ना परमेश्वर नू उस बंदे दे सारे पाप कटने पेंदे ने, क्योंकि नाम पापा नू कटन दी समर्था रखदा है। आखो वाहिगुरु जी कौन को कलंक रहे हो राम नाम लेते ही, ਕਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖੂ ਧਾੜਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਰਸਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਈ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਤੇ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਕੌਡੇ ਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂ ਗਰਨੀ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵੀ ਮੁਕਾਈ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਪ ਕੱਟੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਮਰਹਾ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸ਼ੋ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਭ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੇਖੀ ਲੋਭ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਰੋਜ਼, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਮਨ ਮਿਠਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਤਾ ਕੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਲਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੋ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੀ। ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
पर एदा मतलब ए नहीं सानू अजे नाम दी दात नहीं मिली ते असी तरले पौने छड़ देने ने, पता नहीं वारी कदों आ जानी कोई पता नहीं। आखो वाहिगुरु जी उहने केड़े औगण ते रीझना, केड़े गुण ते रीझना, किहो जी तेरी आवाज ते रीझना, किहो जी तेरी सुर ते रीझना, किहो जे तेरे तबला मारन ते रीझना, ते ओ जाणे मालक ने केड़े ढंग नाल रीझना सानू ते पता ही कोई नहीं, पर अपने कर्म इहो जे करी चलो बस ओ रीझ पवे, रीझ पवे, कर्म तू करी चल, लाइन चे लगा रहो, अज नहीं ते कल ओ गुरु दी निगाह पे ही रहनी है। आ संगत विच आ के बह बैठा रहो, भिखारी बन के झोलियां अड़दा रहो, अज नहीं ते कल खैर पे ही रहनी है। तू संगत विच नहीं आउंदा, अमृत वेले नहीं उठदा, बाणी नहीं पढ़दा, भिखारी बनदा नहीं, खैर कित्थों पऊ? लाइन चे लग जा, वारी आ ही जानी है, पहले आ जाए बाद चो आ जाए। ओदा हुण सिस्टम है ना मालक दा, अगे खड़े ने सारे लाइन बना के, मान लो 10,000 बंदा खड़ा, किड्डी वड्डी किन्ने किलोमीटर दी कतार बन जानी। असी लगे आ सब तो अखीर ते, सब तो अखीर ते, पहले नंबर ते कोई खड़ा है, साडी वाली 10,000 नंबर ते है। मान एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हुण असी ढिड पा के बैठे रहिए, पता नहीं कदों वारी आउणी, निंदिया भी करी चलिए, चुगली भी करी चलिए, माड़ा भी करी, वारी आउणी कि नहीं आउणी, ओ कोई पता नहीं। उहने इन्ना ही कहना पीछे मुड़, जदों पीछे मुड़ना है ना उहने कहना है ते पिछले ने सब तों अगे ते अगले ने सब तों पिछे चलिया जाणा है। आ चीज ध्यान विच रख, पता नहीं कदों वारी आ जाणी, कदों उहने रीझ पैणा, की पता मेरे आ बोलां ते रीझदा, की पता जदों मैं वाजा फड़ के बहना उदों रीझदा, की पता जदों मैं संगत नाल गल्लां करदा उदों रीझदा, की पता जदों मैं संगत दे सुख दुख सुणदा उदों रीझदा, कोई पता थोड़ी है, कोई पता नहीं। ओ परमेश्वर ने कदों केड़ी सुहागण दे उत्ते रीझणा, कोई बाहर जोड़े घर दे विच बैठा है, की पता उहनां ते रीझदा होवे, कोई दाल वरता रहा, कोई सब्जी वरता रहा, कोई लंगर विच प्रशादा तैयार कर रहा, की पता उहदे ते रीझदा होवे, कोई चौर साहब करता, की पता उहदे ते रीझदा होवे, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। तू लगा रहो, वारी आई जानी है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास, क्योंकि इत्थे कोई फिक्स गल नहीं कि आ चीज फलाने बंदे नूं देनी, पर कहिंदे दात है दात रखी हथ अपने, जिस भावे तिस दे, जिन्नू चाहुंदा है ना मालक ए दात देनी ओनू ही देंदा है, ओदी मर्जी आ गई। चोर नूं दात देनी भूमी है, चोर नूं दित्ती दात, किसे कोलों पुछया नहीं, ओदी मर्जी आ गई। सज्जन ठग नूं संत बनाउणा है, बना के छड्डिया, किसे कोलों पुछया नहीं, ओदी मर्जी आ गई। इक जादू टूणे करन वाली नूर शाह है, जिहड़ी कदी किसे उत्ते काला इलम सुटदी, कदी किसे उत्ते सुटदी, ओदी मर्जी आ गई, ओदी मौज आ गई। कहिंदे नूर शाह जादू करनी नूं लखां नूं जोड़न वाला बना देणा है, आ गई ना मौज। दाते दात रखी हाथ अपने, जिस भावे तिस दे, जिन्नू मर्जी वो कृपा करके दे सकदा, तू कृपा लैण वालियां दी लाइन च लगा रहो, ये मेरी बेनती है। अगे जी नानक नाम रते सुख पाया, जिहड़े प्रभु दे नाम दे विच रंगे जांदे ने, दरगह जापे सेई, इस संसार विच भी ते परलोक विच ओदी दरगाह विच भी हमेशा सुख मानदे ने। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, लोक भी उहनां दा सुखी सुखेला हुंदा, परलोक भी सवर जांदा है, पर शर्त है हर वेले कृपा मंग, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, सारे बोलो हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। एक बारी मेरी बेनती है, सिर्फ अद्धा मिनट मैं तुहाडा होर लेना है, जिन्हां नूं बापू जी ने सेहत ठीक दित्ती है ना, एक मिनट लई सिर्फ अद्धे मिनट लई चौंकड़े मार लो, जिहड़े मार सकदे हो चौंकड़े, सिर्फ अद्धे मिनट लई अखां खोल के गुरु ग्रंथ साहिब दे दीदार करो। वेखो गुरु ग्रंथ साहिब दे रूप च गुरु रामदास नजर आउंदा है, सामने बैठे गुरु रामदास, ते अद्धे मिनट लई इन्नी चीज कह दियो, हर जियो हर जियो हर जियो हर जियो हर जियो हर जियो हर जियो, कृपा करो 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 तुम प्यारे, कृपा करो तुम
महाराज कृपा कर दे असी तेरे बच्चे हां सदा औगण करन वाले पर बैठे तेरी लाइन विच लाइन विच लाइन तो तक्की ना ओ जदों तेरी मौज आ जाए ना जदों तेरी मौज आ जाए जिवें भाई आनंद लाल नूं उहदा नाम लैके आवाज मारी सी ना मैं गरीब नूं भी आवाज मार के बुलाणी है जी चंगा मंदा बुरा भला हां ते तेरा ही ना नाम ते तेरा ही जपदा वा ना कीर्तन ते तेरा ही करदा वा ना सुनदा ते तेरी बाणी आ ना जिवें भाई आनंद लाल नूं आवाज मारी सी ना आनंद लाल आ जा बस मैं भी उस लाइन च लग्या पिया मैनू भी आवाज मार के मेरे ते कृपा का खाता खोल दे तो गुरु कृपा करे आओ बड़े प्यार दे विच एक वारी पंक्ति पढ़ो कीर्तन की समाप्ति भुल चुक की खिमा कर देना कोटान कोट शुकराना पिता जी गुरु ग्रंथ साहब का जिन्होंने तरस करके तुहाडे दीदार करवाए प्रबंधक वीरां दा बड़ी प्यार वाली सारी कमेटी गुरु रामदास बाबा दीप सिंह सब नूं चढ़दियां कलां बख्शन गुरु दे वजीर सारे सेवादार प्रधान जी होर जो जो भी इत्थे सेवावां निभाउंदे बापू जी सब ते कृपा करन विशेष तौर ते संगत जी तुहाडा शुकराना जो दूरों नेड़ों चल के पहुंचे हो किड्डी किड्डी दूरों संगत आई है तुहाडे एक एक दे पैरां दे उत्ते चरणां दे उत्ते मैं सिर झुका के मत्था टेक रहा मेरा टेकिया मत्था प्रवान करना ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰੀ 3 ਤੋਂ 4 ਰਾਤੀ 10 ਤੋਂ 11 PTC ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਬਈ ਇਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਨ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ ਟਿਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਕੂਲ ਬੇਅੰਤ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਓ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੁਹਰਾਓ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰਿ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ
चुक दी खेमा अगला प्रोग्राम बड़े प्यार च सरवण करो फतेह प्यार नाल बुलाओ आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नाम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु रह पाया सतगुरु का पाया सहज सिद्धि मन वजिया वरदार तन परवार परिया शब्द का वड़ियाईया कहे नानक आनंद होवा सतगुरु में पाया हे मन मेरे तू सदा रोहर नामे प्रणाम रो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारणा समना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रोहर नामे साहिबा क्या नहीं करते करता तेरे जिसे सो पावे सरदार सिफत साला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाज शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया शान सुपने आए वसया जिन इच्छा सब हो जाईया सदा कुर्बान की कागर विलो जिसे आए बड़े आईया कहे नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सभागे शब्द वाजे कला जित करतारिया पंच जोर दवास कीते काल कंटक माया करम पाया तद जिन को से नाम हर के लागे कहे नानक दस हो आगत कर आनंद वाजे आनंद सुनो बड़ पाकी हो सगल मनोरथ पूरे पार करम प्रभाया उतरे सगल विदूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संग साध भय सच्चे पूरे गुरते जानी पुनीत कहते पवित्र सतगुर नया पर पूरे पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत जगत चंगिया मुरियाया बच तर महदूर जिनी नाम प्याया कैम सत काल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह तो ठाकुर तुम पहर जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे कोई ना जाने तुम्हारा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुम्र सूत्र धारी तुम ते होई सुआज्ञाकारी तुमरे गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तुदे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाओ न जाने मेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाओ न जाने मेरा बोलना जी वाहिगुरु 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 तू समरथ अकाथ्य गोचर जियो पिंड तेरी रास रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं
प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक ली त्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद न सिमरा श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवे ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां की जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु पंजा प्यारिया चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई देग वाही देख के अंडिठ कीता तिन्हां प्यारिया सच्चियारियां दी कमाई का ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आर्यां नाल चुरवाए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिन्हां दी पवित्र कमाई का ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां का ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवै चित आवन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रसिया रियायत देग तेग फतेह बिरध की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु आप जी दे सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान मिसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी के दर्शन स्नान चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु हे निमाणियां दे माण नितानियां दे तान न्योटियां दी ओट निपत्तियां दी पत निगतियां दी गत ने आश्रयों के आसरा धन धन साहिब श्री गुरु नानक दे महाराज जीओ धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन बाबा दीप सिंह जी धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जीओ चवर छतर सिंघासन दे मालक हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर कारिमो रहीमो पै ऐद परवदगार सच साहिब बंदी मोच दीन दुनिया दे मालक गद्दी ते विराजमान सुभायमान साहिब ए कमाल तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सतगुरु जी ऐस वक्त आप जी दे पावन चरण कमला पास समूह संगत की अरदास बेनती जोतड़ी है आप जी ने दर प्रवान करनी सतगुरु जी आप जी दे दरों करो मरसाए हुए महापुरख सत्कार जोग भाई साहेब भाई गुर इकबाल सिंह जी सत्कार जोग भाई साहेब भाई अमनदीप सिंह जी जो सतगुरु जी गुरमुख प्यारियां वालों आप जी दी मेहर जी दे सदका चाली दिनां दे अमृत वेले दे समागम सतगुरु जी करवाए जा रहे हैं अज आप जी ने कृपा की उन्नवे अमृत वेले दे दीवाना दे सतगुरु जी आप जी ने सेवा ले आप जी दी मेहर जी दे सदका बीबी कौला जी भलाई केंद्र ट्रस्ट विखे सतगुरु जी अमृत वेले दे दीवान सजे सजे दीवाना दे अंदर आप जी दे पावन प्रकाश होए उपरंत जपजी साहब की गुरबाणी दे जाप गायन कीते वाहिगुरु मूल मंत्र दे जाप गुरमंत्र दे जाप शब्द कीर्तन दी हाजरी गुरमत विचारां होईयां गुरबाणियां दे जाप करदियां शब्द कीर्तन दी हाजरी लगवाउंदियां गुरमत विचारां करदियां एक नी अनेक प्रकार दियां गलतियां कर गईयां लेखै कते न छूटीऐ खिन खिन भूलन हार बख्शन हार बख्श लै नानक पार उतार सतगुरु जी अपने अनजाण बच्चे समझ के मुआफ करना आई हुई समूह संग
संगत की हाजरी दर प्रवान करनी, तिल फुल भेटा दर प्रवान करनी, जिन्या भी संगत ने सतगुरु जी अमृत वेले दे दीवाना दे विच हाजरियां भरिया सब दियां हाजरियां दर प्रवान करनिया, ते जिहड़ियां संगत ने लाइव दे माध्यम राही घरां दे विच शहरां दे विच नगरां दे विच अमृत वेला संभालिया अमृत वेले दे नाल जुड़ियां सब दियां हाजरियां दर प्रवान करनिया, आप जी की कृपा जी दे सदका चार पैर रहण आई सी सरबत दी सुख सुखां दी बतीत होई, ऐस वक्त आया होया दिन सरबत दा सुख सुखां दा बतीत करवाउणा, नगर विच जोड़ मेल उत्पाव बख्शना चरण कमलां नाल प्यार बख्शना सरबत दा भला करना कारज रास करने, सतगुरु जी आप जी की कृपा जी दे सदका जो राम तीर्थ रोड बाबा दीप सिंह जी चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहा है, सतगुरु जी ट्रस्ट दे विच जिन्नियां वी सेवावां चल रहीयां सारियां सेवावां आप जी ने चढ़दी कला दे विच लैणियां, दादा दाता एक है सब को देवन हार देंदा तोट ना आवी अगंत परे भंडार, आप जी दे अगंत भंडारियां दे विचों पवित्र गुरु कीआं देगां सज के हाजर, आनंद साहब जी की अरदास अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिसटाए, करी पाक साल सोच पवित्रा हुण लाओ भोग हर राय, आप जी करो कृपा कड़ा प्रसादी देग नूं भोग लगाउणा लग्या होया भोग प्रसाद साध संगत दे विच वरते, जो जी सके सो आप जी दा नाम सत नाम श्री वाहिगुरु जपिए, इस वक्त आई हुई समूह संगत नूं अमृत वेले दे हुक्मनामे साहिब बख्श के निहाल करना हुक्मनामे साहिब दे चलन दी समर्था बख्शनी, इस वक्त जो जी आप जी की चरण शरण विच आवे सो राजी जावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, बोले सोनिहाल श्री अकाल कबल नैन मधुर बैन कोट सैन संग शोभ कह दुमांज सोद जिसै दह पात खाही जियो, सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जीओ। सो कह टल गुद सेविया एहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए, होवे शिव दुख समदी नूर अरसो कुरसों चटिए, तुद डिठे सचे पात सा माल जन्म जन्म दी कटिए, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो, सुरठ महला पंजवा कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय करुगा
प्रभ सरना प्रगटे भले संजोगा करि स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन पै अरुगा कोट बिघन लाठे प्रभ शरना प्रगटे भले संजोगा प्रभ वाणी शब्द सुभाखिया गाव सुनो पढ़ो नित पाई गुरपुरे तू राखिया रहाओ साचा साहिब अमित बढ़ाई भगत वसल दयाला संता की पैज रखता आया आद बिरद प्रतपाला हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो सर्व वेला मुख पावो जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोविंद नित गावो सुनियर दास स्वामी मेरे सर्व कला बन आई प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बन आई प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सुरठ महला पंजवा कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाथे प्रभ शरणा प्रगटे भले संजोगा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।